समाज में कुछ चर्चा का विषय बने हुए हैं आप, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, कृपया खुलासा करें। मैं प्रोफेसर जेपी पांडे पिछले 2 वर्ष से तराई के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले MLKPG कॉलेज बलरामपुर के प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। और नई शिक्षा नीति 2020 जब से लागू हुई है, तब से जो उच्च स्तर पर शिक्षित लोग हैं, चाहे महाविद्यालयों के प्राचार्य हों चाहे प्राध्यापक हों, उनसे भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझें और जो है अपने जो सामाजिक दायित्व हैं उनका भी निर्वहन करें। इस चूँकि बलरामपुर और श्रावस्ती जनपद नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी जिला है और इन दोनों जिलों का उस स्तर पर अभी विकास नहीं हो पाया है, तो मैं प्राचार्य के रूप में भी साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी समाज में चल रहा हूँ। और मेरा यह सोचना है कि बलरामपुर और श्रावस्ती इन जनपदों में यदि किसी उच्च स्तर के तकनीकी शिक्षण संस्थान की या चिकित्सा की सुविधाओं की भी अगर आप दशा को देखें तो उतनी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं, स्थापना हो जाए। साथ ही साथ इस क्षेत्र में औद्योगिकरण का भी अभाव है पूर्णतया, हम सभी जानते हैं तराई के अंचल में बाढ़ की समस्या है, तो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं इनके बारे में मैं चिंतन करता रहता हूं तथा मैं सोचता हूं कि यदि इस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कुछ सुविधाएँ यहाँ पर दी जाएँ तो यह अच्छा रहेगा और हमारे जो युवा हैं बेरोजगार हैं इस बेरोजगारी को भी दूर करने में मदद मिलेगी। इसके लिए हमको सरकार के स्तर से औद्योगिकरण हो, उच्च शिक्षण संस्थान हो, इनकी स्थापना करने के लिए प्रयास करना होगा। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।